नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ, तो आइए आज के हमारे विषय पर ध्यान देते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा विषय है राई। आइए राई के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्राय सभी लोगों को यह पता होता है कि राई और सरसों एक होती हैं, लेकिन राई और सरसों में अंतर होता है। आइए राई के बारे में कुछ जानते हैं। राई का प्रयोग हम अधिकतर अचार, सब्जी, सांभर, नारियल की चटनी में तड़के लगाने के लिए करते हैं। राई का स्वाद सब्जी की गुणवत्ता को तो बढ़ाता ही है और यह एंटीबैक्टीरियल भी होता है। राई के छोटे छोटे दाने कई तरह के सेहत से जुड़ी हुई समस्या में कारगर होते हैं। राई में विटामिन सी, मैग्नीशियम, फाइबर और बहुत से पोषक तत्व, खनिज तत्व पाए जाते हैं। राई के दाने जितने दिखने में छोटे होते हैं, उतने ही ये अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। इनके प्रयोग से हम छोटी से बड़ी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए राई का किस प्रकार से प्रयोग कर या किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वह जान लेते हैं। टिप्स नंबर वन, हृदय की धड़कने असामान्य हो रही हो या घबराहट के साथ बेचैनी और कंपन महसूस हो रही हो तो राई को पीसकर अपने हाथ और पैरों पर मले, इससे आराम मिलेगा। टिप्स नंबर टू, राई में मौजूद मायोनोसिन और सिनिग्रीन जैसे तत्व स्किन संबंधी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए राई को रात भर पानी में भिगोएं और सुबह इस पानी को त्वचा पर लगाने से त्वचा की कई तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। टिप्स नंबर थ्री, बुखार आने के साथ साथ कई बार जीभ पर सफ़ेद परत जम जाती है और भूख व प्यास धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में सुबह के समय 4 से 5 ग्राम राई के चूर्ण में शहद मिलाकर लेने से कफ से होने वाले बुखार में आराम मिलता है। टिप्स नंबर फोर, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग हो जाने पर पिसा हुआ राई का आटा लें, उसमें गाय का घी लें और उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से वह रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। टिप्स नंबर फाइव, जोड़ों के दर्द में भी राई को पीसकर उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर जोड़ों के दर्द में या अर्थराइटिस पे मालिश करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। टिप्स नंबर सिक्स, राई में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह घाव, चोट, काटा चुभने या लकड़ी से किसी तरह का जख्म होने पर भी इसका लेप लगाकर लगाने से और इसे पानी में उबालकर उस स्थान को धोने से बहुत लाभ मिलता है। टिप्स नंबर सेवन, शरीर में बेचैनी, घबराहट, जी मिचलाना, उल्टी होने पर राई का काढ़ा लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। टिप्स नंबर एट, राई को गर्भाशय के दर्द या बहुत अधिक पीड़ा हो रही हो तो परेशानी वाले स्थान पर उसका लेप लगाने से या कमर के पीछे लेप लगाने से गर्भाशय में हो रहे दर्द से आराम मिलने लगता है। टिप्स नंबर एट, राई का तेल भी बहुत कारगर होता है। राई के तेल में सेंधा नमक मिलाकर मसूड़ों पे हल्के हल्के हाथों से मालिश करने से मसूड़ों के दर्द, मुंह की बदबू से राहत मिलने लगती है। टिप्स नंबर नाइन, राई के तेल कुष्ठ रोगियों के लिए भी बहुत लाभ देने वाला माना जाता है। टिप्स नंबर टेन, बालों में या सिर में छोटी छोटी फुंसी होना या जुएं का होना या खुजली होने पे राई का लेप करने से या राई को पानी में उबालकर उससे बालों को धोने से बहुत राहत मिलती है। धन्यवाद।